भदोही की बात करें तो भदोही में सीए के विरोध में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष तनवीर हयात पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। वहीं एआईएमआईएम के यूथ कमेटी के जिलाध्यक्ष ताबिश को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में भीड़ ने जुलूस निकालकर उपद्रव किया, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष तनवीर हयात के उकसाने पर लोगों ने सीएए के विरोध में जुलूस निकाला और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा तो भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं मामले में आगे भी पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए कई लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भदोही में हुए उपद्रव के बाद अभी भी पूरे शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और तमाम पुलिस अधिकारी शहर में कैंप करके मार्च भी निकाल रहे हैं। प्रकरण में जो लोग भी शांति भंग में शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनमें से 15 लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो इनका मास्टर माइंड है वो भी शामिल है और आगे भी हम फुटेज से पूरी पहचान कर रहे हैं। हमारी प्रक्रिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो लोग भी शामिल हैं और जिनके नाम आएंगे वो सब जेल जाएंगे इसमें।